हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। श्वेताज किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और न्यू रेसिपी वीडियो आपके लिए। आज मैं बनाने जाऊँगी नींबू पानी। इसे हम बनाएंगे थोड़ा मीठा चटपटा सा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नींबू पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ दो नींबू लिए हैं जिसे मैंने बीज से काट लिया है, और मैंने इसके जो बीज हैं वो भी मैंने निकाल दिए हैं ऑलरेडी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मग में पानी लिया हुआ है, करीब ये 400 ml है। उसके बाद मैंने शुगर लिया हुआ है एक कटोरी में, एक कटोरी भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, एक कटोरी मैंने काला नमक लिया हुआ है, और यहाँ मैंने कुछ आइस क्यूब लिए हुए हैं। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी पानी। मैंने इसमें पूरा पानी यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू। इसे नींबू का हम अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसमें सारा इसमें नींबू डाल देंगे हमें ऐसे करके एक एक करके। इसके अंदर अगर बीज भी चले गए कुछ बचे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसे भी इसे छानेंगे ही बाद में जब हम इसे ग्लास में सर्व करने के लिए निकालेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो ऐसे हम एक एक करके सारे नींबू इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से पूरा निचोड़ करके इसका जो पूरा रस है नींबू का वो पूरा हम इसमें पानी में ऐड करेंगे। इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आना चाहिए नींबू पानी का। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2-3 आइस क्यूब्स। वैसे मैंने ऑलरेडी ठंडा पानी लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसमें 2-3 आइस क्यूब और डालूँगी, क्योंकि जितना ठंडा होगा उतना अच्छा है, वैसे भी गर्मी का सीज़न चालू है। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। इसमें हम एक चम्मच डालेंगे काला नमक, एक से आधा ले सकते हैं या एक चम्मच भी पूरा यूज़ कर सकते हैं, इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। ये दोनों डालना इसलिए भी ज़रूरी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे शुगर। शुगर इसमें मैं 5-6 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। उसमें जितना मीठा आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए शुगर को। अब हम इसमें जो स्पून से इसे पूरे अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि जो हमारी जो शुगर है वो अच्छे से घुल जाए इसमें। तो इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। और नींबू पानी तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, नींबू में विटामिन सी होता है और ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो ये इसके तो कई फ़ायदे हैं नींबू के, आप इसे कभी भी ऐसे नींबू पानी बना करके पी सकते हैं। स्पेशली ये गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा होता है इसे पीना, ये हमारी बॉडी को भी ठंडा रखता है और बहुत ही सिंपल है। और लेकिन इसमें जो काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर जो पड़ा है इसमें, जो हमने डाला है, उससे जो टेस्ट है वो बहुत ही एक अलग ही टेस्ट देता है, एक अलग ही फ्लेवर आता है नींबू पानी में। आप इसे अपने घर में बच्चों के लिए या गेस्ट वगैरह जो भी आए उसके लिए भी आप इजीली इसको प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छा बनता है। तो इसी तरह से अब हम देखिए हमारी जो चीनी है वो घुल गई है सारी, अच्छे से हो गया है। इसे आप पी करके टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि अगर आपको इसमें चीनी और चाहिए है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ मैंने काला नमक यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉर्मल वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल चुकी है और ये हमारा नींबू पानी भी बन करके बिल्कुल रेडी है। इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा आया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम इसे ग्लास में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 2 ग्लास लिए हैं। अब हम इसे छन्नी की हेल्प से इसे छान लेंगे, ताकि जो ये बीज है ये सब छन्नी में ही रह जाए, नीचे ना जाए ग्लास में। तो इसी तरह से हम दूसरे ग्लास में भी छान लेंगे नींबू पानी को। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों ग्लास में नींबू पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आइस क्यूब भी ऐड कर दिया है। तो ये थी मेरी सिंपल सी नींबू पानी बनाने की खट्टी मीठी सी रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।